से शायद पहली मरतबा हमारे बीच मोहम्मद सादिक चांद साहब फटाफट जो कि तंजो मिजाजी शायरी में इस वक्त मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान में वो नेटवर्क की नुमाइंदगी फरमा रहे हैं और जहाँ भी जाते हैं माशाल्लाह एक उनका अपना एक अलग अंदाज है। जिला बिजनौर में और बहुत सारे तंजो मिजाज के शायर हैं लेकिन चांद फटाफट साहब का जो अंदाज है तो कोई महफिल ऐसी नहीं थी जब वो पढ़ते हो महफिल का एतहजार ना हो। आज हमारे बीच में मौजूद हैं, मैं बहुत ही अदब एहतराम से उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो आएं और अपनी तंज़ मज़ाहिया शायरी से वो सामईन को महसूस फरमाएं। जोरदार इस्तकबाल करेंगे जनाब मोहम्मद सादिक चांद फटाफट। अस्सलाम वालेकुम जनाब सदर आली मर्तबा नाज़िम आला मौज़ी शोरा इकराम और धामपुर के अदब नवाज सामा इकराम, आपकी खिदमत में पहली बार यहाँ हाजिरी हुई है। इससे पहले एक बार मैं आया था तो आप लोग बहुत छोटे छोटे थे, अब बारहवीं पास करके इंटर में आ चुके हैं और आप सब लोग लैपटॉप के हकदार हो गए हैं। हमारी सरकार बारहवीं पास करके जो इंटर में आ रहे हैं उन लोगों को लैपटॉप तकसीम कर रही है, लिहाजा आप हजरात से गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को भी बारहवीं के बाद इंटर कराएं और लैपटॉप हासिल करवाएं। दोस्तों अहले इल्म का मजमा है, मकामी शोरा हजरात भले ही मकामी हों लेकिन जिस आला मयार के शायर यहाँ पर तशरीफ फरमा है और जो उन्होंने अपना कलाम पेश किया है काबिल तारीफ है। लीजिए दोस्तों अपना सफर शुरू करता हूँ। एक बात ये अर्ज करना चाहता हूँ कि जैसा मैं दिख रहा हूँ, जैसे मेरे कपड़े हैं, जैसा मेरा हुलिया है, मैं ठीक वैसा ही हूँ लेकिन जैसी जैसी मैं बातें करूँगा मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूँ। दोस्तों अर्ज यहाँ से किया है कि उसने नजर मिलाई जो घूंघट उतार के, उसने नजर मिलाई जो घूंघट उतार के, अब क्या बताऊं हाल दिले बेकरार के, उसने नजर मिलाई जो घूंघट उतार के, अब क्या बताऊं हाल दिले बेकरार के, मांगी थी एक निशानी हसीना से प्यार की, चप्पल नसीब कर दी उसने उतार के। लीजिए दोस्तों एक हज़ल आप लोगों की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। अर्ज क्या है कि घरों में आग, घरों में आग, घरों में आग नफरत की लगाने से नहीं चूका, घरों में आग नफरत की लगाने से नहीं चूका, मैं दो फिरकों को आपस में लड़ाने से नहीं चूका, मैं दो फिरकों को आपस में लड़ाने से नहीं चूका, सदा धोखा दिया मैंने भरोसा करने वालों को, सदा धोखा दिया मैंने भरोसा करने वालों को, मैं अपनों को कभी चूना लगाने से नहीं चूका, मैं अपनों को कभी चूना लगाने से नहीं चूका, मुझे तबलीग वालों ने कभी दावत अगर दी तो, मुझे तबलीग वालों ने कभी दावत अगर दी तो बहाना करके मैं पीछा छुड़ाने से नहीं चूका, बहाना करके मैं पीछा छुड़ाने से नहीं चूका। और देखिएगा कि सुरीले टेटवे से मैं गजल औरों की पढ़ता हूँ, सुरीले टेटवे से मैं गजल औरों की पढ़ता हूँ, मगर मक्का कभी अपना लगाने से नहीं चूका, लगाने से नहीं चूका। देखिएगा कि वलीमा हो कि तीजा हो या हो चालीस में कोई, वलीमा हो कि तीजा हो या हो चालीस में कोई, मैं चोरी से कोई दावत उड़ाने से नहीं चूका, मैं चोरी से कोई दावत उड़ाने से नहीं चूका। और देखिएगा कि मुझे जब भी मिली लाइन, मुझे जब भी मिली लाइन
किसी चंचल हसीना से, मुझे जब भी मिली लाइन किसी चंचल हसीना से, बुढ़ापे में भी मैं चूचे लड़ाने से नहीं चूका, बुढ़ापे में भी मैं चूचे लड़ाने से नहीं चूका। और देखिएगा ये खटारा शायरी से जब ये सामने बोर होते हैं, खटारा शायरी से जब ये सामने बोर होते हैं, फटाफट उनको महफिल में हंसाने से नहीं चूका। लीजिए दोस्तों, यहाँ से मैं एक और अपनी मशहूर हज़ल आपके सामने पेश करने लगा। चलिए साहब, वैसे ये बहुत हो चुका है, सामने कैमरा भी लगा हुआ है, कैमरा वाले भी थक जाएंगे, कहेंगे रोज रोज ये सुनाता रहता, बहरहाल ये मेरी पहचान बन चुकी है। मुझे हलवा बनाना था, न चीनी है न सूजी है, तमीज बांधू तमीज, बेगम साहेबा शबरात के मौके पे बोली कि हलवा बनाना है और आपको सामान लेकर के आना है, लेकिन लगा हुआ था लॉकडाउन, तो मैं क्या करता, मैंने उनको समझाने की बहुत कोशिश करी लेकिन वो मानी नहीं। वहीं से चार मिसरे हुए, आप सब लोग समाप्त फरमाइए कि मुझे हलवा बनाना था, न चीनी है न सूजी है। यहाँ पर मैंने सूजी का तीन बार अब्बा जी इस्तेमाल किया है और तीनों बार अलग अलग मायने हैं, मजा लीजिए। मुझे हलवा बनाना था, न चीनी है न सूजी है, उधर बच्चे भी रोते हैं इधर मैडम भी सूजी है, उधर बच्चे भी रूठे हैं इधर मैडम भी सूजी है। मैं निकला लॉकडाउन तोड़ के घर से जो सड़कों पे, मैं निकला लॉकडाउन तोड़ के घर से जो सड़कों पे, मेरी भी चार दिन से आज तक तशरीफ सूजी है, मेरी भी चार दिन से आज तक तशरीफ सूजी है। जी दोस्तों, इलाकाई जुबान में कहने की आदत है। बहरहाल मैंने सीतापुर का एक सफर किया, वहाँ की आवाज और वहाँ की बातचीत और वहाँ का सलीका मैंने सुना, तो मैंने एक हज़ल और इसमें कही है। मैं ज्यादातर कोशिश करता हूँ कि चार चार मिसरों की जगह हज़ल सुना दी जाए। लीजिए, बहरहाल अर्ज किया है कि दिल मेरा धड़कावत हो जब ईलू ईलू गावत हो, दिल मेरा धड़कावत हो जब ईलू ईलू गावत हो, प्यार बड़ा दिखलावत हो तो खटिया क्यों सरकावत हो, प्यार बड़ा दिखलावत हो तो खटिया क्यों सरकावत हो, मेरी छोटी सी ख्वाहिश पर आंखें क्यों दिखलावत हो, मेरी छोटी सी ख्वाहिश पर आंखें क्यों दिखलावत हो, खाली है बंदूक हमारी पाहे तुम घबरावत हो, खाली है बंदूक काहे तुम घबरावत हो, और लगती हो तुम नागिन जैसी, लगती हो तुम नागिन जैसी, जुल्फे जब लहरावत हो अकड़ रही हो ऐसे जैसे मल्ली का शेरावत हो, अकड़ रही हो ऐसे जैसे मल्ली का शेरावत हो। और देखिएगा कि दिखा के मुझको अपना मुखड़ा, दिखा के मुझको अपना मुखड़ा, काहे तुम छुप जावत हो, और चांदनी तोरा नाम है तो फिर चांद से क्यों शर्मावत हो, चांदनी तोरा नाम है तो फिर चांद से क्यों शर्मावत हो। लीजिए एक इलाकाई जुबान में और उसके बाद आप सब हजरात का काम तमाम, मतलब जहमत तमाम। और जो क्या कि मेरे शेर सुनने सुनाने के ना हो, मेरे शेर सुनने सुनाने के ना हो, मुझे दाद देने दिलाने के ना हो, मुझे दाद देने दिलाने की ना हो, ये शेरों के पत्थर तो सहने पड़ेंगे, ये शेरों के पत्थर तो सहने पड़ेंगे, मुझे जब तलक तुम भगाने के ना हो, मुझे जब तलक तुम भगाने के ना हो, तुम्हें आज मैं भी पका दूंगा इतना, तुम्हें आज मैं भी पका दूंगा इतना, कभी मुझको फिर से बुलाने के ना हो, कभी मुझको फिर से बुलाने के ना हो, हटने का ना हो बुला लो पुलिस को, मैं हटने का ना हूं बुला लो पुलिस को, जब तक के पेमेंट लाने के ना हूं।